चलिए इसी के साथ रुक करते हैं उस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको उस वक्त की बता रहे हैं रायपुर से, जहां नए साल को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बैठक आज कुछ देर में शुरू होगी। प्रशासन की बैठक, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। पुलिस के जवान शहर के कोने कोने में रहेंगे तैनात। सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। 31 दिसंबर की रात पुलिस के जवान देंगे पहरा। रात 2 बजे तक 600 से ज्यादा जवान करेंगे गश्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नया साल आने वाला और ऐसे में जो है पार्टियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में बड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है किए गए हैं। शराब पीने वालों पर कार्रवाई की बात जो है सामने आ रही है कि जो भी शराब पीकर गाड़ी चलाएगा उन पर उचित कार्रवाई होगी। और 600 से ज्यादा जवान जो है गश्त देंगे, जो है सिंपल कपड़ों में वर्दी से हटकर जो है वो लोग गश्त देंगे। और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ गया। आज बैठक है, बस कुछ ही देर में बैठक का दौर जो है शुरू हो जाएगा। और बैठक में जो है इसी पर चिंतन होगा, इसी विषय पर चर्चा होगी कि नए साल को लेकर क्या कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, पार्टियों को लेकर क्या कुछ समय सीमा बाधित होगी। इन सभी विषयों पर बैठक में चर्चा होना तय है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सारा प्रशासन, पुलिस अमला मौजूद है और जिला प्रशासन भी मौजूद है। और उचित जो है इसमें नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद, आपसे एक दो दिन बाद जो है पार्टियों का दौर शुरू हो जाएगा। युवा जो है बड़ी संख्या में नए साल के अवसर पर नाइट आउट करते हैं, पार्टीज करते हैं, और उसमें भी कुछ नियम होने चाहिए। इसीलिए जो है प्रशासन की बैठक शुरू ही होने वाली है, जिसमें उचित निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ नियम है, क्या कुछ वो प्रोटोकॉल्स होंगे जिन्हें इस साल की, नए साल की पार्टी में फॉलो करने होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 2 सालों से कोविड के कारण जो है नए साल मनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, और इस साल जो है छूट मिली है। तो ये छूट भी कुछ नियमों के तहत ही मिलेगी, जिसमें उचित नियम बनाए जाएंगे, क्या कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या कुछ रूल्स होंगे जो लोगों को फॉलो करने होंगे। जिसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जो शराब पीकर वाहन चलाएगा उस पर तो कार्रवाई होगी, क्योंकि अक्सर ऐसे हादसे शराब पीने के बाद होते हैं, लोग नशे में रहते हैं, जिसके बाद कई बड़े बड़े हादसे होते हैं। इसीलिए ये नियम जो है एकदम सख्त तरीके से लागू कर दिया गया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर उचित कार्रवाई होगी। साथ ही पुलिस अमला भी बड़ी संख्या पर जगह जगह मौजूद रहेगा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, 600 पुलिस बल इस बार तैनात है। 600 पुलिस के जवान जो कि अलग अलग कोनों पर तैनात रहेंगे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वर्दी में ही हो। के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता रायपुर से। प्रदीप, कुछ ही दिनों बाद नए साल का जश्न मनना शुरू हो जाएगा, और ऐसे में आप पुलिस प्रशासन जो है एक्टिव हो गया है, आज बैठक होने वाली है, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? जी अस्मिता, आपको बता दें कि नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रही है। जहां जहां 31 की पार्टी हो रही है, वहां वहां पुलिस प्रशासन ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कि जितने लोगों की क्षमता है उतने लोग ही पार्टी में शामिल हो, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, और वर्दी में, सादी वर्दी में भी रहेंगे पुलिस वाले और वर्दी में भी रहेंगे पुलिस जवान। शहर के कोने कोने में तैनात होंगे, लगभग 600 जवान तैनात किए जाएंगे। रात 2 बजे से 600 से ज्यादा जवान तैनात किए जाएंगे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें 31 की तैयारियों को लेकर बात की जाएगी। कोरोना गाइडलाइंस देखिए, जिस तरह से देश में अभी पिछले सालों अभी कोरोना गाइडलाइंस कोरोना था तो 31 की पार्टी नहीं हो पाई, उसको देखते हुए इस बार भी देखिए अभी फिर से कोरोना बढ़ने लगा है जिस तरह से, तो उस तरह को देखते हुए कोरोना के गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। और शराब पीकर वाहन चलाने के लिए, शराब पीकर जो वाहन चलाएगा उसकी सीधे चली आएगी।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हमने छत्तीसगढ़ से बताई, जहां न्यू ईयर पार्टीज को लेकर जो है अब आज नियम बनेंगे, प्रोटोकॉल बनेंगे। हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि इस बार जो है कोविड-19 को लेकर भी जो रूल है, नियम है, प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करने की बात इस मीटिंग में हो सकती है। साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि पिछले 2 साल से न्यू ईयर पार्टी नहीं बन पाई है और ऐसे में इस बार जो है थोड़ी सी छूट प्रशासन द्वारा दी गई है पार्टियों को लेकर